ये है गुड़ से बनी तिल मावा गजक रोल। इन सर्दियों में और मकर संक्रांति पर हर घर में तिल गुड़ की गजक बर्फी या लड्डू बनाई जाती है, पर मैं आपसे आज बिल्कुल हलवाई स्टाइल बाजार में बहुत महंगी मिलने वाली ये तिल मावा गजक रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो इन सर्दियों में और मकर संक्रांति पर आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। घर पर बना हुआ ये तिल मावा गजक स्वादिष्ट हेल्दी तो होता ही है, साथ ही में ये बाजार से बहुत किफायती और एकदम फ्रेश हाइजेनिक भी होता है। तो आप भी ये तिल मावा गजक की रेसिपी जरूर बनाइए। चलिए शुरू करते हैं तिल मावा गजक रोल बनाना। सबसे पहले हम एक पैन गरम करके, यहाँ पे मैंने व्हाइट तिल ली है, इसको हमें भूनना है। तो ये मैंने 250 ग्राम तिल लिया है, इसको हमें धीमी आंच पे 3-4 मिनट के लिए भून लेना है। इसको बिल्कुल भी ज्यादा ब्राउन नहीं करें, नहीं तो इसके टेस्ट में फर्क आ जाता है। इसको बस हमें ड्राई रोस्ट करना है 3-4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने तिल को 3-4 मिनट धीमी आंच पे भून लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तिल को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसको पीस लेंगे। अगर हम गरम गरम में इसको पीसेंगे तो तिल का जो ऑयल होता है उससे ये आपस में चिपक जाएंगे। तो देखिए तिल ठंडा हो गया है। अब इसमें से हम 3-4 चम्मच तिल अलग निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में हमें सूखे तिल की जरूरत पड़ेगी, और बाकी बचे तिल को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे तिल को पीस के निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे वापस से पैन रखा है गरम होने को, और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम मावा। तो ये मावा आप मार्केट का भी ले सकते हैं या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। और इस मावे को हमें बिना घी डाले ही 1-2 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि हमारे गजक रोल के अंदर कच्चापन ना रहे मावा का। तो इसको हम लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए मावे को मैंने 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लिया है और मावा जो है मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें गुड़ या फिर चीनी ऐड करेंगे। तो इसको हल्का ठंडा हो जाने के बाद ही हम इसमें गुड़ या चीनी ऐड करेंगे। अगर आप मावा की जगह मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं तो इसमें 3-4 चम्मच दूध डाल दें मिल्क पाउडर में। अब मैंने यहाँ पे 250 ग्राम देसी गुड़ लिया है। इस गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लिया है, ऐसे आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इधर जो हमारा मावा है वो हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर डाल देंगे और साथ ही में ये 250 ग्राम गुड़ डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप गुड़ की जगह पे चीनी डालें तो पिसी हुई चीनी का यूज करें, और साथ में 1-2 चम्मच दूध भी डाल लें ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। तो देखिए यहाँ पे गुड़ और मावा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और गुड़ जो है आप देख सकते हैं पिघल गया है। सर्दियों के टाइम में बहुत आसानी से ये पिघल जाता है। अब हम इसके अंदर जो हमने पिसी हुई तिल रखी है वो हम धीरे धीरे डाल के मिक्स करेंगे। तो एक बार में पूरा ना डाले, धीरे धीरे करके 1-2 बार में इसको डाले। दोबारा से इसमें थोड़ा और तिल डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने सारे तिल डाल के इसको मिक्स कर लिया है, और ये जो मिठाई है बर्फी है जिसका हम गजक रोल बनाएंगे, ये फिर थोड़ा गाढ़ा होगा। तो इसको अभी हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, या तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही कहीं साइड में रख दें इसको, ताकि ये थोड़ा डो जैसा तैयार हो जाए और एकदम ठीक हो जाए। तो इसको अभी हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स के कतरन। इसमें काजू बादाम पिस्ता और पम्पकिन सीड्स हैं, तो इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, तो आप भी जरूर कोशिश करें इसके अंदर डालने की। और साथ ही में तिल जो हमने निकाल के रखा था इसको भी अभी हम यूज करेंगे। तो ये देखिए हमारा डो जो है सेट हो गया है काफी अच्छे से, और ये एकदम टाइट हो गया है अभी। अब यहाँ पे मैंने एक लंबा बड़ा सिल्वर फॉइल पेपर लिया है, इसके ऊपर हम घी या तेल से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, चारों ओर लगा लेंगे घी। और फिर घी लगाने के बाद जो हमने तिल निकाल के रखे थे वो इसके ऊपर चारों ओर फैला देंगे। और अब इसके ऊपर ये डो रख के हमें इसको रोल करना है। तो डो को दबाते हुए और बेलन से इसे रोल कर ले, और बेलन पे भी मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। तो देखिए हल्के हाथों से दबाते हुए इसे हमें अच्छे से रोल करते जाना है। इसे ना ज़्यादा मोटा रखें ना ज़्यादा पतला रखें, और इसको आराम से स्क्वायर शेप देते हुए मैंने बेल के तैयार कर लिया है। यहाँ पे जैसा मैं दिखा रही हूँ उस तरह से आपको इसको रोल करना है। मैंने जिस मेजरमेंट से आपको ये तिल मावा रोल बताया है इससे ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अगर आपका डो थोड़ा सा गीला हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़े से तिल को भून के और पाउडर बना के उसको इसमें मिला सकते हैं, इससे ये ठीक हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट्स की कतरन ली थी वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको फैला देंगे, साथ ही इसको थोड़ा रोल कर लेंगे बेलन से ताकि इसके ऊपर ही सेट हो जाए। अगर आपको नारियल का बुरादा पसंद हो तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। अब हमें इसको एक टाइट सा रोल बनाना है, तो हमें सिल्वर फॉइल को ऊपर करते हुए रोल करते हुए वापस
अपनी तरफ सिल्वर फॉइल पेपर को, मतलब सिल्वर फॉइल पेपर को हमें अंदर नहीं करना, खाली ऊपर उठा उठा कर रोल करते हुए फोल्ड करते जाना है थोड़ी हाथों की मदद से, और थोड़ा सिल्वर फॉइल पेपर की मदद से इसको इस तरीके से रोल बना लीजिए। अब जो ये रोल है वो बहुत बड़ा है, तो इसको हम कैसे रखें, इसको अभी हम दो पार्ट में कर लेते हैं। इसको हम बीच से काट लेंगे और दोनों रोल को हम थोड़ा सा फैला के बड़ा कर लेंगे और फिर इसे सिल्वर फॉइल पेपर से लपेट लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों रोल को ऐसे फोल्ड कर लिया है सिल्वर फॉइल पेपर से। अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने को। यहाँ मैंने एक घंटे के लिए दोनों रोल को फ्रिज में रख लिया था। अब हम इन रोल को निकाल लेते हैं। जो बचे हुए थोड़े तिल हैं उन्हें भी हम इसके ऊपर डालकर रोल कर लेंगे, क्योंकि ये तिल खाने में भी अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं, और इससे रोल चिपचिपे भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो आधे आधे इंच के पीस में हम इन्हें कट करके तैयार कर लेंगे। तिल मावा गजक रोल यहाँ खाने को तैयार है। ये तिल गुड़ से बनी रोल आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगी और आपके त्यौहार में भी चार चांद लगाएंगे। ये इतनी टेस्टी जो होती है, मार्केट में ये तिल मावा गजक रोल 1000 रुपये किलो तक मिलती है, पर घर पर आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं। बाजार में इसे गुलाब के फूलों से सजा कर दी जाती है, तो मैंने भी कोशिश की बिल्कुल वही रेसिपी देने की और वैसा ही दिखाने की। आप भी ज़रूर बनाएं और कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।